है तन मेरा जे चश्मा होवे, ते ऐ तन मेरा जे चश्मा होवे, ते मैं मुर्शद वेख न रजां, लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा, ते मैं इक खोलां इक कजां, ते मुर्शिद दा दीदार ऐ बाहू, ते मैनू लख करोड़ा हजां हू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अज तुहानूं मैं उस ऐसी सूरत दसन लगा जो मैं बचपन के अपने बाबा जी को बहना होना सा, शुरू स्टार्ट तो जो जाता रहा बचपन के, मेरे बाबा जी सरकार किसी मरीज ने आना किसी दर दर्द करनी, तो बाबा जी ने मेरे ने उन्होंने फूक मारनी तो उन्होंने आराम आ जाना। फिर किसी ने आना किसी ने, बाबा जी मेरी नाफ पई हुई, नाफ इतने सीने इतने बड़े दर्द, तो सरकार ने वो पढ़ने तो आराम आ जाना। किसी के घर लड़ाई झगड़े अक्सर घर होंगे ने, वह होने उन्होंने कहना बाबा जी मेरा बंदा मैं बहुत तंग करता जी, कोई ऐसी उन्होंने कहना चीनी लेके आओ, चीनी लिया। मैं कहना बाबा जी मेरे पीर साहब इन्ने दम जानते हैं, बड़ा मैं हैरान। मैं एक दिन पूछ लिया अपने सरकार को, मैं सरकार तुसी इन्नी दम पढ़ते कि लैदा लैदा, कहता गदया इक्को ही मैं पढ़ाई करना, इक्को ही वो सूरत हैगी आलम शरीफ जी मैं पढ़ के जानी कि दम करके देना, सारे आराम वो आते हैं। तो दोस्तों है कोई वह तरह मैं गल कर रहा जी बचपन में देखी, और यानी कि कोई गुड़ दम करा आ रहा है, बाबा जी साड़ी मझ नहीं मिलती पी, उस वक्त मझा रखिया लागे, बाबा जी ने गुड़ दम करके देना, आलम शरीफ पढ़ के दे देनी। मैनू नहीं पता आलम शरीफ पढ़ देने, फिर जो बाद मैं क्या अपनी सरकार को उन्हें क्या पुत्र ए आलम शरीफ का कमाल है सारा, ये बरकत ने यह सिर्फ तुम तीन चार चीज़ों, होर सरकार बड़े दम करते होंगे जी, किसी को दर्द होनी कैसी कोई दर्द होनी तो सरकार ने हथ रखना फूक मारनी, तीन दफा पढ़नी, तो पढ़ते कि नहीं सिर्फ 9 दफा, तीन तीन दफा करके फूक मारते सी, तो अल्लाह ताला शफा दे देता सी। तो मैं तुम दसना बड़ा, मैं यानी कि उस टाइम बचपन से मेरा, तो मैं कहना बाबा जी बहुत दम यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ दम जानते हैं, पता नहीं कि सूरत जानते हैं। तो उन्हें सरकार ने मैंने फरमाया, कहते एको सूरत का कमाल है वो हैगी आलम शरीफ, तो तीन तीन दफा पढ़ के, तो जिथे कोई दर्द होती है, जिथे कोई यानी कि कोई घर से बच्चे तंग करते हैं, वाला तंग करता है, बीवी तंग करती है, तो वह तुसी सिर्फ चीनी लियानी है। तो बाबा जी कहते सिर्फ 11 दफे पढ़ के इनू तुसी दम करोगे, इंशाल्लाह वो कभी अगों नाराजगी खत्म हो जाएगी, जो बोल बुला ने अपनी जबान में जरा कंट्रोल हो जाएगा उन्होंने। तो दोस्तों किड्डे वड्डा यानी कि वजीफा है आलम शरीफ, कुरान की पहली सूरत आलम शरीफ, सिर्फ ये पढ़ना की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुरू इतों करनी मिल हमदो तुम बस, तो अगे जाके आखिर जो खत्म हो गया तो तीन दफा आमीन 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 कहना लाजमन, जो सूरत खत्म हो गया तो तीन दफा आमीन 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 कहना। तो दोस्तों तुसी ए करो तो पढ़ो, है तुहानू मैं दसना चाहना सा भी मैं मेरे जो पहले मैं इस लाइन से आया सा, तो उदो मेरे बाबा जी मैं देखना अपने बाबा जी सरकार नूं, तो यानी कि इन्ने के दम करते सी, इन्ने लोग आते सी, मैं कहना पता नहीं बाबा जी किन्ने के दम जानते हैं सारे चिले की, तो बाबा जी कहते मैं एक सूरत के साथ ही दम करता हूँ, एक सूरत सिर्फ वो है आलम शरीफ। तो दोस्तों तुम भी आलम शरीफ पढ़ो, कुरान की पहली सूरत हैगी पमाए बिस्मिल्ला, सिर्फ 9 दफा तीन तीन दफा पढ़ के उन फूक मारोगे, इन शाला तला किसी को जान जरूरत पेगी, किसी बाबे को जान जरूरत नहीं पेगी, किसी को जान जरूरत इन शाला उत्थे आराम आएगा। दर दर्द करती कन दर्द करता तेल तो दम करके कतरे पाओ कन दे, इन शाला तला कन की दर्द हट जाएगी। नाफ पई है तुम उस जगह पर शहादत की उंगल उस जगह पर रख के तीन दफा पढ़ो, पहले आलम शरीफ पढ़ के फिर उत्तर फूक मारो, फिर मार तीन फूक मारोगे तो इंशाल्लाह ताला नाफ तुहाडी अपनी जगह पर आ जाएगी जिथों हिली होगी।
ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੋਇਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤੋਂ। ਬੀਵੀ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਦੋ, ਚੁੱਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ 11 ਦਫ਼ਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 11 ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੀਨੀ ਦਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਆਪਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲੇ ਆਖਰ ਸਵਾਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ।